जो ध्रुव मेरी लाइफ से चली क्यों नहीं जाती है। बहनों में इतनी नफरत। हेलो जी, कैसे हो सारे, होप यू आर गुड। तो आज नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पे दो फीमेल लीडर स्टार की मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है दो पत्ती, जिसे मैंने देख लिया है। तो कैसी है ये मूवी, आपको देखना चाहिए या नहीं, आपका टाइम वेस्ट होगा या बेस्ट, आओ इसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। सो वेल हेलो एवरीवन, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक टू द गॉस स्टार। तो भाई लोग, काजोल, कृति सैनन एंड सहीर से का स्टारर दो पत्ती एक क्राइम थ्रिलर फिल्म है, डायरेक्टेड बाई शशंकर चतुर्वेदी एंड स्टोरी रिटन बाई कनिका ढिल्लो। बात करें इसके स्टोरी के बारे में तो पूरी मूवी डोमेस्टिक वायलेंस केस के अराउंड है, जहाँ पे दो जुड़वा बहनें हैं सोमिया और सैली, बोथ द कैरेक्टर्स आर प्लेड बाय कृति सैनन एंड इन दोनों की आपस में बचपन से नहीं बनती है, दोनों एक दूसरे को हमेशा नीचे दिखाने में लगी रहती है। तो इनमें से एक बहन सोमिया जो ध्रुव सूट प्लेड बाय सहीर सिंह के साथ रिलेशनशिप में होती है और इन दोनों के बीच पूरा मौज मस्ती चल रहा होता है। बट कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब इसकी ट्वीन सिस्टर इन लोग से मिलती है और किसी वजह से किसी तरीके से दूसरी बहन सैली को भी ध्रुव सूट से लव हो जाता है और सारा ड्रामा इधर से स्टार्ट होता है। देख रहा है ना विनोद, जिंदगी हो तो ऐसी वरना। एनीवेज, जिसके बाद सोमिया और ध्रुव के बीच सब कुछ गड़बड़ होने लगता है और इनका मजा सैली लेती है। फिर कहानी आगे बढ़ती है और मर्डर करने की कोशिश होती है, जिसके बाद इंटवीन सिस्टर के मिस्टीरियस केस को इन्वेस्टिगेट करने विजय आती है प्लेड बाई काजोल, जिसको अब पता लगाना है कि ये बिरयानी किसने बनाई और कैसे, ये सीता गीता कौन सच बोल रही है कौन झूठ बोल रही है, इसको एक्सपोज करना है। तो ये है स्टोरी। अब थोड़ा मूवी के रेसिपी के बारे में बात कर लेते हैं। सो इसका स्क्रीन प्ले काफी पुअर है, साथ में जो काजोल को एज कॉप दिखाया गया भाई बहुत ही गंदा था, ने अपने कैरेक्टर को कम्प्लीटली जस्टिफाई नहीं किया है। अगर ऐसे बोले तो ठीक ठाक के कैटेगरी में हम लोग रख सकते हैं इसके कोप वाले कैरेक्टर को। दूसरी तरफ इनमें से किसी भी कैरेक्टर के साथ आप इमोशनली कनेक्ट नहीं हो पाते हो। एंड अभी जैसा मैंने आपको स्टोरी बताया मूवी का, उससे शायद आपको ऐसा लग रहा हो कि हाँ भाई बहुत ही थ्रिलर स्टोरी है, मजा आएगा मूवी देखने में। बट जब आप मूवी देखना स्टार्ट करोगे तो जिस तरीके से इन लोग का प्रेजेंटेशन है वो देख करके आप बोलोगे कि कहानी का सर पैर किधर है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो इसमें डोमेस्टिक वायलेंस के टॉपिक को फोकस किया गया है लेकिन जिस तरह से इन्होंने इसको क्रिएट किया है वो बोलोगे ये क्या है भाई, लॉजिक किधर है, ऐसी कोई चीज ही नहीं हो, मतलब कुछ भी दिखा दिया इन लोगों ने। एंड एक और चीज मूवी का जो मुझे अच्छा भी लगा और बुरा भी लगा, अच्छा इसलिए क्योंकि एक मूड फ्रेश टाइप का सॉन्ग सुनने को मिलता है और बुरा इसलिए कि किसी भी जगह पे आपको सुनाने लग जाएंगे ये लोग। बाकी सहीर सिंह ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, इसको लेकर कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है मेरे पास, जो है वो इसके राइटर एंड डायरेक्टर की वजह से है। साथ में कृति सैनन ने कुछ खास इम्प्रेसिव लेवल का परफॉर्मेंस तो नहीं बट ठीक ठाक है, चलेगा। ओवरऑल अगर आप चाहो तो देख सकते हो, थोड़ा इंटरटेन और टाइम पास हो जाएगा। बट हाँ, फैमिली के साथ अगर आप देखना चाहते हो तो बता दो कि एक दो किसिंग सीन है, अगर आप मैनेज कर सकते हो तो फिर देख लेना, इट्स ओके, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से 2/5 की रेटिंग आज के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी आपसे फिर किसी दूसरे वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलना, शुक्रिया एंड बाय। तो इनमें से एक बहन सोमिया जो ध्रुव राठी ध्रुव राठी नहीं है यार